आज की रात हमारे लिए इम्तिहान की रात है। आज हमें अपने पिछले दो वर्षों की मेहनत का नतीजा मिल जाएगा। अगर हम अपने एक्सपेरिमेंट में नाकामयाब रहे तो हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। इस रिसर्च में अगर आप कामयाब हो गए तो यह हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए और खासतौर पर हमारी फौज के लिए बहुत ही फख्र की बात होगी। कैसे राजेश? बेटर। खतरे की तो कोई बात नहीं है, मगर इनको आराम की जरूरत है। काम कब तक कर सकेगा? कम से कम एक महीने के बाद। एक महीना? आप जानते हैं इसके बगैर हमारा कितना नुकसान हो रहा है? डॉक्टर शर्मा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इनको आराम की बहुत सख्त जरूरत है। राजेश सर, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं तुम्हारे बगैर फाइनल रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकता। आई नो सर। डॉक्टर साहब, वैसे मैं पहले से काफी ठीक हूँ, मेरे ख्याल है मुझे जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अगर आप जिद करेंगे तो नतीजे के जिम्मेदार आप होंगे। डॉक्टर शर्मा, इनको एक महीने की छुट्टी दे दीजिए। वन मंथ? इम्पॉसिबल, आई कांट स्पेयर। राजेश, अगर तुम चाहो तो 15 दिन के लिए जा सकते हो, तब तक मैं कैसे भी मैनेज करूंगा। लेकिन एक बात याद है, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कहीं से भी किसी भी वक्त ड्यूटी पे वापस बुला लूंगा। यस सर, यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, गुड बाय डॉक्टर। छुट्टी मुबारक हो मेरी जान। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अजी सुनती है?
एक घंटे से कह रहा हूँ मेरी कमीज दे दो। अरे रूपवंती, अरे मैं भी एक घंटे से चिल्ला रही हूँ कि अभी 5 मिनट में रहती हूँ, जरा खुद उठा लोगे तो हाथ नहीं टूट जाएंगे। हमारे यहाँ तो पत्नियाँ रोज सवेरे सवेरे अपने पति की आरती उतारा करती हैं, और एक तुम हो जो खूंटी से कमीज नहीं उतार सकती। हाय हाय देवता महाराज, बड़े अरमान है आरती उतरवाने के, सूरत देखी है अपनी? अरे अपनी सूरत तो मैं बचपन से देख रहा हूँ, तुम्हारी सूरत अगर शादी से पहले देख लेता तो ये दिन देखना ना पड़ता। बड़े राजा इंद्र होना, कहा होता अपने बाप से कोई परी ला देता। देखो जी, मैं कहता हूँ मेरे बाप का नाम ना लेना। नाम ना लेना, कहाँ का डिप्टी कलेक्टर था तुम्हारा बाप? देखो जी मैं कहता हूँ। कहते हो तो कहे जाओ, सुनता कौन है तुम्हारी? भोला, हे बजरंग बली, मैं भी अगर तुम्हारी तरह ब्रह्मचारी रहता तो ये मुसीबत तो गले न पड़ती। जी आया। नमस्ते साहब, आप आ गए? कैसे हो भोला? अच्छा हो साहब, मैं तो आपसे कितनी बार अस्पताल में मिलने गया लेकिन डॉक्टरों ने मिलने ही नहीं दिया। मैंने उनसे कितना कहा कि मैं उनका नौकर हूँ, बटलर हूँ, सेक्रेटरी हूँ, दोस्त। आप कह दिया होता तो जरूर मिले। ये तो नहीं कहा साहब। साहब आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ मैं 15 दिन की छुट्टी जा रहा हूँ बाहर। अरे हंस क्यों रहे साहब? अरे मेरे को फोन तो नहीं था। हाँ साहब, वो रीटा मैम साहब का फोन आया था। वो तो हफ्ते भर हर रोज 2 बार करके फोन करती थी और हर बार उनका गुस्सा बढ़ता जाता था। 7वें दिन तो इसने जोर से उन्होंने टेलीफोन रखा जैसे किसी ने मेरे कान में गोली मार दी। ये औरत और गुस्सा एक ही चीज के दो नाम है भोला। हाँ साहब, आप अपनी बीवी की तरफ देखो। जी हाँ, उसका पारा तो हमेशा चढ़ा रहता। साहब एक बात बोलूं? बोलो। आप शादी मत करना। अच्छा नहीं करता। और देखो वो मेरा शेव का सामान जूते वो तो सब जल्दी से रख दो। अच्छा साहब रख देता। शादी मत करो। साहब आप रीटा मैम साहब से मिलने जा रहे हैं ना? हाँ। साहब आप होटल में ही ठहरेंगे ना? आ गया हूँ रीता। कौन आ गया है? मैं राजेश। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। दीदी फोन बज रहा है। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? राजेश, राजेश का फोन है। बंद कर दो। यार तुमने भी फोन बंद कर दिया। सुनो जरा जरा अपनी दीदी से बात करवाओ ना। दीदी बात करो ना, उससे कहते हो तो मैं उससे मिलना नहीं चाहती। मुझे उससे नफरत है। बिना बताए 3-3 महीने गायब हो जाता है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। सॉरी दीदी, आपसे बात करना नहीं चाहती।
कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे मेरी ये दुनिया हसीन जन्नत है तुमसे तुमसे मेरी ये दुनिया हसीन जन्नत है तुमसे तुमसे पर सुहानी रंगत है तुमसे तुमसे यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे बस एक हकीकत है तुमसे तुमसे यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे कर भी मुझको उल्फत है तुमसे तुमसे यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे मेरी ये दुनिया हसीन जन्नत है तुमसे तुमसे यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे शोभा देता है एक साइंटिस्ट होकर लड़की के पीछे गाना गाते फिरना शोभा देना दे लेकिन तुम्हें एक बात का यकीन हो गया किस बात का क्या हम गा सकते हैं मजाक 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 एक साल से कह रहे हो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ कल ही आके मामी से बात करूंगा और उसके बाद गायब हो जाते हो और तीन तीन महीने शक्ल नहीं दिखाते इस बार तुम्हारी मम्मी को शक्ल भी दिखाऊंगा और अकल भी लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं कल ही मैं मामी से अपॉइंटमेंट फिक्स करती हूँ कल इतनी जल्दी क्यों डाली या तो कल या तो कभी नहीं लेकिन मैं तुम्हारी मम्मी से क्या बात करूंगा कह देना तुम क्या हो कौन हो और क्यों मुझसे शादी करना चाहते हो बस ठीक है कल ही रिहर्सल शुरू करता हूँ
रीता कह रही थी तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। जी हाँ, मैं एक पढ़ा लिखा शरीफ नौजवान, सरकारी मुलाजिम, तनख्वाह 1500 रुपया, गाड़ी, पेट्रोल, नौकर, बंगला सब फ्री, कोई बुरी आदत मुझ में नहीं, शराब मैं नहीं पीता। जुआ, क्या आप मेरे हाथ चाय की प्याली? थैंक यू। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? जी मैं कह रहा था आपके बच्चे कितने हैं? बस दो ही तो हैं, रीता और बिल्लू। जी हाँ, मैं कह रहा था रीता अब काफी बड़ी हो गई है जी, आपको उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, दो चार जगह बातचीत चल रही है। चार जगह? वेरी गुड, वेरी गुड। एक लड़का तो मुझे बहुत पसंद है, शक्ल सूरत का भी अच्छा है, अच्छा खानदान है और कमाता भी खूब है। शराब जरूर पीता होगा। जूता तक नहीं। जुआ जरूर खेलता होगा। नहीं, जुए के तो नाम से भी नफरत करता है वो। उसमें कोई बुरी आदत नहीं? जी नहीं, उसमें कोई बुरी आदत नहीं। माँ जी, आप बुजुर्ग हैं, फिर भी रीता जी की राय तो ले लेनी चाहिए। रीता मेरी बेटी है, मेरी पसंद रीता की पसंद। जी हाँ माँ, इनमें भी तो कोई बुरी आदत नहीं है। हाँ, मुझमें भी कोई बुरी आदत नहीं, शराब मैं नहीं पीता, जुआ मैं नहीं खेलता। क्या आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे सकती हैं? कौन? हम तुम्हारे साहब के दोस्त हैं। वो तो है नहीं, बाहर गए हैं। इस घर में और कौन कौन रहता है? इस घर में, लेकिन आप ये फोटो क्यों खींच रहे हैं? तुम्हें मालूम नहीं? हाँ? इस घर का फोटो अखबार में छपने वाला। अखबार में? वो हाँ, क्यों? इस घर को सबसे ज्यादा सफाई का इनाम मिला है। अरे वो तो मिलना ही चाहिए, पूरे घर को रोज साफ करता हूँ अकेले। हाँ अकेले? हाँ। अरे वाह, तुम्हारे साहब का बेडरूम कहाँ? साहब का बेडरूम, आइए दिखाता हूँ, लेकिन उसका फोटो जरूर छापना होगा। आइए, चलिए आइए आइए आइए, ये रहा। आपने खींच लिया फोटो? हाँ। बहुत शरीफ और मेहनती आदमी मालूम होते हो। साहब ये बात आप मेरी बीवी को समझा सकते हैं? तुम्हारा नाम क्या है? भोला। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा नाम है। भोला जी? तुम इसे जानते हो? अरे ये तो रीटा मैम साहब की फोटो है, अपने साहब की। अच्छा अच्छा, भोला आओ तुम्हारा भी एक फोटो खींचो। हाँ, मेरा फोटो खींचिए। हाँ अच्छा, मेरा भी फोटो खींचिए। अच्छा भोला, अभी हम चलते हैं। अच्छा, लेकिन साहब आपका नाम अपने साहब को क्या बोलेंगे? साहब से कहना हाँ, तुम्हारे वो फोटोग्राफर दोस्त है। अच्छा अच्छा अच्छा, साहब नमस्ते। सुनती हो रूपमती? क्या है? साहब के दोस्त मेरा फोटो खींच ले गए। तुम्हारा फोटो? हाँ। तुम्हारा फोटो क्या करेंगे? अरे अखबार में छपवाएंगे। अखबार में? लोग देखेंगे तो सोचेंगे कि चिड़ियाघर का हाथी खो गया है। कैसे समझेंगे? नीचे लिखा होगा दुनिया भर के कुंवारो देख लो शादी का अंजाम। चलो हटो, तुमसे इतना भी नहीं होता कि मेरे भी दो चार फोटो खिंचवा दो। बस ब्याह के दिन खिंचवाए थे, याद है? याद है, अपनी जिंदगी का सबसे भयानक दिन भूल सकता है भला? सारे गांव वाले कहते थे हजारों शादियां देखी पर ऐसी दुल्हन नहीं देखी। विदाई के समय क्या रोई थी मैं फूट फूट कर। तुम तो बस उसी दिन रोई थी, मैं तो उस दिन से आज तक रो रहा हूँ फूट फूट कर।
और मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम 2 साल और मेरा हाथ मेरी माँ से नहीं मांग सकोगे। आखिर मांग लिया ना तुम्हारा हाथ, मंगनी हो गई और आधा फंस गया। आधे फंस गए? हाँ, मंगनी मर्द को आधा फंसाती है और शादी पूरा, इसलिए मर्द को मंगनी और शादी के बीच में सोचने का वक्त दिया जाता है। वक्त आदमी को नहीं लड़की को दिया जाता है। मर्द तो चट मंगनी पद दिया जाता है। अब मुझे फैसला करना है कि मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए या नहीं। जानता हूँ रीटा, तुम्हारा चाहने वाला कोई और भी है। और चाहने वाला? कल रात मेरे कमरे से तुम्हारी तस्वीर उठा कर ले गया। जाओ, मजाक कर रहे हो। चलो। नहीं रीटा, काफी देर हो गई। देखो ना, अभी तो सूरज भी नहीं ढला। नहीं ढला तो ढल जाएगा। ढलो ढलो, 1 2 3। ढल गया। सूरज भी मुझसे ढलता है, चाहता है कि रात हो जाए और हम दोनों जुदा हो जाए। मगर रीटा, आज मैं तुम्हें जुदा नहीं होने दूंगा। आज तुम मुझे जुदा नहीं होने दोगे, लेकिन कल हो सकता है तुम मुझे भूल ही जाओ। कैसी बातें कर रही हो रीटा? राजेश, न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है तुम्हारी और मेरी मोहब्बत एक सपना है जो कभी सच नहीं होगा। आज तुम भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे। हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। जर तुम भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे। हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। ये सच ही होंगे, हम तुम
जुदा न होंगे हम तुम जुदा न होंगे जर तुम भुला न दोगे सपने ये सदा जन्म की निशानी है सिर्फ बड़े आदमी के होती कितने लड़कियों ने छुआ है इसे अभी तक सिर्फ तीन तीन हाँ एक तो तुम हो और दूसरी का नाम रीता और तीसरी का नाम भी रीता ड्यूटी पर वापस आ रहा हूँ क्यों कर देते तो तुम चले जाओगे हाँ रीटा ड्यूटी पर तो जाना ही पड़ेगा मैंने कहा था ना ख्वाब और हकीकत में काफी फर्क होता है मैं इस फर्क को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा रीता कल ही डॉक्टर शर्मा से जाकर अपनी शादी के लिए इजाजत मांगूंगा हमारी शादी होगी ना तुम्हें यकीन नहीं रीता राजेश आ गया तुम्हारे बाबुल का घर मां से कहने शादी की तैयारी शुरू कर बारात जरा बड़ी लेकर आऊंगा क्या आज ही जाना होगा हाँ रीटा ड्यूटी तक ड्यूटी है मैं और फिर जितना जल्दी जाऊंगा उतना जल्दी वापस भी आ जाऊंगा शर्मा जी से शादी की परमिशन लेनी है रीटा अब अकेले नहीं रह जाता पहुंचते मुझे फोन करना राजेश शर्मा जी ने क्या कहा हाँ रीटा तुम फिक्र मत करो शर्माना तुम मेरी बाहों में खो जाना तुम मुझसे देखो ना शर्माना तुम
मेरी बाहों में खो जाना तुम, इंतजारी की हद हो चुकी, और ज्यादा न तरसाना तुम, और ज्यादा न तरसाना तुम बाहर की बारात आ गई, खुशी को लेके साथ आ गई, सुनो तो मेरे दिल, सुनो तो मेरी जान, होठों पे दिल की बात आ गई, बाहर की बारात। टेढ़ी हवाओं ने भी कार की मस्त शहनाइयाँ, आज टेढ़ी हवाओं ने भी कार की मस्त शहनाइयाँ, वादियाँ बन गई हैं दुल्हन जैसे उनकी हो परछाइयाँ, जैसे उनकी हो परछाइयाँ, बाहर की बारात आ गई, खुशी को लेके साथ आ गई, सुनो तो मेरे दिल, सुनो तो मेरी जान, होठों पे दिल की बात आ गई, बाहर की बारात। साहब इतनी जल्दी लौटा है? क्या करूं, सरकार का मेरे बगैर काम ही नहीं। जाते वक्त मैंने कहा था ना, सरकार को आपकी छुट्टी से दुश्मनी है, जल्दी आपको बुला लेती है। साहब आपके वो फोटोग्राफर दोस्त आए थे। कौन फोटोग्राफर? वही जिनके सर पर बाल नहीं, गंजे से हैं, मुझको सिनेमा के टिकट भी दे गए हैं। आज छुट्टी मना, जाएं सिनेमा देखने? हाँ हाँ जरूर जाइए, लेकिन मेरा अभी लाया, हो सके तो कपड़े अभी निकालता हूँ। साहब आप भी कमाल करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत जल्दी वापस आ गए, अभी तो छुट्टी बाकी थी। जी आपने तो मुझे फोन किया था। फोन? मैंने नहीं। तो फिर किसने किया फोन? खैर अच्छा वो तुम जल्दी आ गए। यू रिज्यूम योर ड्यूटीज फ्रॉम टुमारो। सर मुझे आपसे कुछ कहना है। यस। बात यह है, मैं शादी कर रहा हूं। रिटा के साथ? आप कैसे जानते हैं? अपने डिपार्टमेंट के हर आदमी के बारे में पूरी जानकारी रखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। सर मुझे 15 दिन की छुट्टी और चाहिए। नामुमकिन है, शादी पोस्टपोन कर दो, कम से कम 6 महीने के लिए। जी सेंटर से ऑर्डर आया है कि जल्द से जल्द हमारी रिपोर्ट तैयार हो जानी चाहिए। पर इससे मेरी शादी का क्या ताल्लुक? इस वक्त तुम्हारी शादी हमारे काम के लिए बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। सॉरी सर ये मेरा जाती मामला है। राजेश हमारी इस सर्विस में जाती मामले की कोई अहमियत नहीं। तो मैं इसी वक्त इस्तीफा देने के लिए तैयार। आप मेरी मेहनत, मेरे दिमाग को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरी जाती जिंदगी पर पाबंदी लगाने का आपको कोई हक नहीं। राजेश गवर्नमेंट ने मुझे इतनी अथॉरिटी दे रखी है कि मैं रिटा से तुम्हारा मिलना तक बंद कर सकता हूँ, एंड दैट इज फाइनल। डॉक्टर शर्मा दुनिया की कोई ताकत मुझे शादी करने से नहीं रोक सकती। अगर कोई रुकावट आएगी तो मैं उसे खत्म कर दूंगा, एंड दैट इज फाइनल। Put me to trunk booking, please. Hello, trunk booking. Hello, book a call to Bombay. Bombay number 575373. Yes, PP Miss Rita. It's an urgent call, please. Thank you. हेलो शर्मा जी के ऑफिस से बुलाया है मुझे, लेकिन अभी अभी तो उनसे मिलकर आ रहा हूं मैं। आफ्टर 6:30 दफ्तर बंद होने के बाद?
ठीक है, आ जाऊंगा मैं। डॉक्टर शर्मा ने मुझे बुलाया? यस, प्लीज। अब आप अंदर जा सकते हैं, डॉक्टर शर्मा आपका इंतजार कर रहे हैं। किसलिए बुलाया मुझे डॉक्टर शर्मा? किसलिए बुलाया मुझे आप बोलते क्यों नहीं? डॉक्टर शर्मा, इसी कुर्सी पर लाश को देखा। तो फिर गई कहां? मेरी समझ में नहीं आ रहा। शेर सिंह, यस, इस जगह की अच्छी तरह तलाशी ले लो। बात को तुम से मैं जाता हूं। पता पाए यहां कोई और था? हाँ, डॉक्टर शर्मा की स्टेनो थी और एक और आदमी को मैंने उनके रूम से निकलते हुए देखा। कौन था वो आदमी? उस आदमी को मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसी ने मुझे कहा था कि डॉक्टर शर्मा मुझे बुला रहे हैं। कहाँ गया वो आदमी? मैं आप लोगों को फोन करने गया तो स्टैनो और आदमी दोनों गायब थे। सर, मैंने तलाशी ले ली पर कोई लाश नहीं मिली। मिस्टर राजेश, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मुझे किस लिए जाना पड़ेगा? वहां आपका बयान देखा जाएगा जिस पर आपको दस्तखत करने होंगे। चलिए मेरे साथ। शर्मा के खून के बारे में कुछ नहीं जानता। शायद पुलिस भी कुछ नहीं जानती, इसलिए आपको छोड़ दिया। क्या मतलब? अब आखिरी आदमी है डॉक्टर शर्मा को जिंदा देखने वाले, और उस आखिरी मुलाकात में आपका उनसे झगड़ा था तो आपने उनको धमकी दी। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? एंड दैट इज फाइन। डॉक्टर शर्मा, दुनिया की कोई ताकत मुझे शादी करने से नहीं रोक सकती। अगर कोई रुकावट आएगी तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। एंड दैट इज फाइन। और आपने डॉक्टर शर्मा को खत्म कर दिया? नहीं नहीं, मैंने खून नहीं किया। मैं सच कहता हूं, मैंने खून नहीं किया। यह छोटा सा रिकॉर्डर आपको फांसी की सजा दिलवा सकता है मिस्टर राजेश। पुलिस को सिर्फ सबूत चाहिए। और तुम्हें क्या चाहिए? डॉक्टर शर्मा के रिसर्च का नतीजा। तुम समझते हो मैं तुम्हें बता दूंगा? बताने की कीमत मिलेगी, मुंह मांगे। आपको रुपयों की सख्त जरूरत है। मैं आपसे सौदा करने के लिए तैयार हूं।
मुल्क की इज्जत का सौदा तुम जैसे गद्दार किया करते हैं। मुझे आपका जवाब चाहिए, सिर्फ हाँ या ना में। हाँ कहने से आपको जिंदगी मिलेगी, ना कहने से मौत। सोच ली? सोच लिया। हेलो पुलिस हेडक्वार्टर्स। कौन है? कौन था यहाँ? अरे कौन था यहाँ? रीटा, राजेश, कभी सोचा था तुमने मुझे लॉकअप में मिलने आओगी? जो मैंने सुना क्या वो सच है? किसी का खून कर सकता हूँ मैं? कभी नहीं। तो फिर क्यों बेवकूफों की तरह बातें कर रही हो? लेकिन तुम यहाँ यहाँ कैसे आया? मैं खुद नहीं जानता। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, खामखा फंसाया मुझे। पर तुम फिक्र ना करो रीता, मैं बेकसूर हूँ और यहाँ से निकलते ही पुलिस पर हतक इज्जत का दावा करूंगा। चलिए चलिए, वक्त हो गया। तुम जाओ रीता, कल मिलेंगे। ये लोग मुझे 24 घंटे से ज्यादा अंदर नहीं रख सकते। पहले मेरे साथ चलिए। कमिन। इंस्पेक्टर, तुम जा सकते हो। बैठिए, आपसे कुछ बातें करनी है। सबसे पहले मैं अपने वकील से बात करूंगा। तुम सबसे पहले आप तशरीफ रखिए। तुम्हीं ने मुझे फंसाया है, गिरफ्तार कर लीजिए इसे, ये बहुत बड़ा गद्दार है। मिस्टर राय, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के चीफ। चीफ? पर कल रात तो आप। मैं आपका इम्तिहान ले रहा था। बैठिए। आप हैं मिस्टर डिमेलो, मेरे असिस्टेंट, और आप हैं मिस्टर श्रीवास्तव, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। पर मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? आखिर आप चाहते क्या हैं? डॉक्टर शर्मा के खूनी का पता लगाना। मैं आपसे कह चुका हूँ मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। इसीलिए आपको यहाँ बुलाया है ताकि आपको मालूम हो जाए। डॉक्टर शर्मा, कौन है आप? कुछ देर पहले मैंने आपको फोन किया था। ओह, तुम ही वो आदमी जो मुझे 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो? मैं नहीं, मेरी गवर्नमेंट। मैं तो सिर्फ एजेंट हूँ। किस मुल्क के? बटन दबाना फजूल है डॉक्टर शर्मा, अलार्म सिस्टम और टेलीफोन के तार काट दिए गए। तुम यहाँ तक आए कैसे? इस बिल्डिंग के चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। दुनिया में हर जगह गद्दार होते। यहाँ भी? कौन है वो? हमारा दोस्त, आपका दुश्मन। वक्त बहुत कम है डॉक्टर शर्मा, आप अपनी रिसर्च बेचने के लिए तैयार हैं? कभी नहीं, किसी कीमत पर नहीं।
यू फूल, तुम यहां तक आ तो गए मगर जा नहीं सकते। मैं अभी गार्ड्स को बुलाता हूं। यह रिकॉर्डर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से रखा गया था, जिसकी जानकारी डॉक्टर शर्मा तक को नहीं थी, और इसी के जरिए हमें पता चला कि डॉक्टर शर्मा की मौत के पीछे एक ऐसे गिरोह का हाथ है जो हमारे मुल्क का दुश्मन है, और हमारे बीच में कुछ ऐसे गद्दार भी हैं जो इन बदमाशों की मदद कर रहे हैं। हमें दोनों का पता लगाना है और हमेशा के लिए खत्म कर देना है। लेकिन मिस्टर रॉय, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? आप ही मदद कर सकते हैं हमारी, क्योंकि सिर्फ आप ही जानते हैं कि हमारे मुल्क के लिए इस सीक्रेट फॉर्मूले की कितनी बड़ी अहमियत है, जिसे डॉक्टर शर्मा ने अपनी जान देकर भी महफूज रखा। डॉक्टर शर्मा ने मुल्क की खातिर अपनी जान दे दी और ये साबित कर दिया कि जिंदगी मुल्क से ज्यादा कीमती नहीं है। डॉक्टर शर्मा खत्म हो गए, लेकिन एक सितारा टूटने से आसमान खाली नहीं होता। इस मुल्क का हर इंसान वक्त आने पर अपने वतन के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकता है। ऑफ कोर्स, इसमें क्या शक। एग्जैक्टली, आपको भी अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देनी होगी। जी मिस्टर राजेश, आपको डॉक्टर शर्मा के खून का इल्जाम अपने ऊपर लेना होगा। आप अदालत में खामोशी के साथ अपना जुर्म कबूल करेंगे, लेकिन जब मैंने हर अखबार के हेडलाइन में आपके खूनी होने की खबर छपेगी और मुझे फांसी हो जाएगी। नहीं, आप फरार हो जाएंगे। हमें यकीन है कि बदमाशों का गिरोह आपको फौरन कॉन्टैक्ट करेगा आपसे वो सौदा करने के लिए जो डॉक्टर शर्मा के साथ नहीं हो सका। हमें इसी मौके का इंतजार है। हमारे आदमी आप पे हर वक्त नजर रखेंगे। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? हमारे पास इसके लिए एक प्लान है। क्या? पहले आपको वादा करना होगा कब इस प्लान का किसी से जिक्र तक नहीं करेंगे। पर ये कैसे मुमकिन? रीता से भी नहीं। आपका बिल्कुल खामोश रहना हमारी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। ओके सर। मिस्टर राजेश, अदालत से निकलते ही एक पुलिस वैन आपको लेकर पूना सेंट्रल जेल के लिए रवाना होगी। वैन के ड्राइवर के अलावा एक सब इंस्पेक्टर और दो पुलिस कांस्टेबल्स होंगे, और आपके साथ मिस्टर डिमेलो। ये बॉम्बे पूना रोड है। पनवेल से 5 मील दूर सड़क की दोनों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियों का एक सुनसान इलाका है। वहां एक मोड़ आता है। मोड़ पार करते ही सड़क के बीच एक पेड़ गिरा मिलेगा, वैन रुक जाएगी। मिस्टर डिमेलो के सिवा बाकी के सब लोग उतरकर पेड़ को हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक उसी वक्त आप अपनी हथकड़ियों से मिस्टर डिमेलो को मारेंगे, और पूरी ताकत के साथ, क्योंकि पुलिस को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपके फरार होने में हमारा कोई हाथ है। वैन का पीछे का दरवाजा खुला होगा। आप बाहर निकलकर सामने वाली झाड़ियों में भागेंगे। 20 गज दौड़ने के बाद अचानक एक आदमी आपके सामने आके खड़ा होगा। उसके मुंह में बिना जली सिगरेट होगी। वो आपसे पूछेगा आपके पास मैचेस है। आप दोनों हाथ आगे करेंगे और वो आपकी हथकड़ी खोल देगा। उसके बाद हमारा वो आदमी आपको कहीं ले जाकर आपको छिपने का इंतजाम करेगा। इस बीच हम आपके फरार होने की खबर का हंगामा खड़ा कर देंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द दुश्मनों के एजेंट्स आपको कॉन्टैक्ट करें। इसके बाद CBI टेक ओवर करेगा और आप फ्री हो जाएंगे। मिस्टर राजेश, ये कुछ सीक्रेट टेलीफोन नंबर्स हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन हाँ, याद रखिए कि किसी हालत में ये दुश्मनों के हाथ ना पड़े। गुड बाय मिस्टर राजेश, एंड गुड लक माय बॉय। हवलदार लोग, तुम लोग सामने से दरख्त उठाओ, चलो जल्दी करो। मैं विश यू ऑल द लक।
आपके पास माचिस है? चलिए मेरे साथ। तो डॉक्टर शर्मा के? ठीक पहचाना। कौन हो तुम? एक आदमी जो लोगों को सुला देता है। बेहोश करके लाना पड़ा। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ये लो राजेश के पासपोर्ट और टिकट। अटेंशन प्लीज, इथियोपियन एयरलाइंस announces the departure of their flight number 709 to Addis Ababa, Nairobi and Entebbe. Yes, Demello? Something has gone wrong, sir. Huh? Hold the line. Hello?
जा सकते हैं। गुड नाइट। यस जिमेलो। मिस्टर राय, हमारा प्लान फेल हो गया। कैसे, क्या हुआ? श्रीवास्तव का खून हो गया। What? राजेश का? उसी को तो हम ढूंढ रहे हैं, मगर यहाँ कच्ची सड़क पर ट्रक के टायरों के ताजा निशान मिले हैं और निशानों से पता चलता है कि ट्रक बंबई की तरफ गया है। तलाश जारी रहे। पुलिस हेडक्वार्टर्स, रॉय स्पीकिंग, दिस इज एन इमरजेंसी। वायरलेस पे फ्लैश कर दोगे बंबई में कोई भी गाड़ी बगैर चेक हुए दाखिल ना हो। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे कड़ी नजर रखी जाए। मिस्टर गुप्ता, स्विच बोर्ड पे आइए। यस सर। मिस्टर गुप्ता, कितने दिनों से आप मिस्टर श्रीवास्तव के असिस्टेंट हैं? 5 साल। 5 साल, आज से आप उनकी जगह ले लीजिए। लेकिन क्यों? क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी। On the lights. I think we have landed our prize. You have done a good job. Thank you, sir. What do you think, Doctor? I think we can do it. कौन है आप लोग? परेशान मत होइए मिस्टर राजेश, हम आपके दोस्त हैं। दोस्त? आपको आपने मुल्क से इतनी दूर हम लोग इसलिए जबरदस्ती करके लाए क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारी दावत कभी ना कबूल करते। आपको जो तकलीफ पहुंची है उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं और आपकी माफी चाहते हैं। लेकिन आप लोग हैं कौन? मुझसे क्या काम है आपको? हमें आपकी जरूरत है। मेरी जरूरत किस लिए? सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। फ्रांसिस, गेट गार्सन, प्लीज सिट डाउन। गार्सन, ताजन चौली। बुलाए ला। देखना चाहते हैं कि कुदरत ने तुम दोनों में कितना फर्क रखा है और इस फर्क को हम कितना कम कर सकते हैं। डॉक्टर, हैव अ गुड लुक। I can change the color of his hair and the color of his eyes. That's very good. ये सब क्या हो रहा है? करना क्या चाहते हैं आप लोग? मैं बताता हूं। ये लोग मुझे आप में बदल रहे हैं
ताकि मैं आपके मुल्क जाकर आपकी जगह ले सकूं, और जो काम डॉक्टर शर्मा ने हमारे लिए नहीं किया मैं उसे पूरा करूं। तुम सब गद्दार जलील, तुम फौरन पहचान लिए जाओगे और कभी कामयाब नहीं होगी। हम लोग हमेशा कामयाब रहते हैं, नाकामी हमसे डरती है। आप इसकी आंखों का रंग बदल सकते हैं, इसके बालों का रंग बदल सकते हैं, लेकिन आप इसकी आवाज नहीं बदल सकेंगे। आज तक कोई किसी की आवाज नहीं बदल सका। इसका भी हाल हम ढूंढ लेंगे। डॉक्टर। यस सर। अपने पास वक्त बहुत कम है, स्टार्ट इमीडिएटली। ओके सर। जासूस, कम ऑन। फ्रांसिस, सी दैट आवर फ्रेंड इज वेल लुक्ड आफ्टर। यह एक जख्म का निशान बना दो। But why? Don't argue. से वादा किया था कि हम कुदरत के फर्क को मिटा देंगे। गौर से देखो कि हमने इस फर्क को किस हद तक मिटा दिया है। डॉक्टर, याद रखो हर 8 घंटे के बाद तुम्हें ये लेंसेस को साफ करना चाहिए। राइट। गार्सन, राजेश को अपना जख्म दिखाओ। गार्सन, हम जो कुछ पूछे उसका ठीक ठीक जवाब दो। बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां जा रहे हो, जवाब दो जल्दी। राजेश, आवाज बदली नहीं की जा सकती लेकिन खत्म की जा सकती है। आज से गार्सों किसी गैर के सामने नहीं बोलेगा। आप इसे मेरा हमशक्ल बनाकर हासिल क्या करना चाहते हैं? आपके मुल्क की बर्बादी, आपके मुल्क की तरक्की रुक जाएगी और आपका वतन हमेशा औरों से दबा रहेगा। मेरा वतन इतना कमजोर नहीं कि आप जैसे चंद लोग उसकी तरक्की रोक सकते। आपका एक नकली राजेश मेरे देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज से 10 दिन बाद इसी महीने की 18 तारीख को वो इमारत जो डॉक्टर शर्मा और आप जैसे नौजवान ने मेहनत से और लगन से खड़ी की है उड़ा दी जाएगी। आज ही रात को हमारा राजेश रवाना हो रहा है, इसे मुबारकबाद दो ताकि ही कामयाब हो जाए। डॉक्टर,
Give me the photographs. Garson. Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. फिर एक बार चेक करना चाहता हूँ. ये कौन है? भोला, राजेश का नौकर. भोला की बीवी रीटा राजेश की मंगेतर. राजेश, मैं जा रहा हूं. इसके बाद शायद हमारी मुलाकात फिर कभी ना हो. कारसन, हम लोग फिर मिलेंगे और जरूर मिलेंगे. गुड बाय. विश यू गुड लक कारसन. थैंक यू डॉक्टर. बेस्ट ऑफ लक कारसन. थैंक यू वेरी मच. बेटे, पापा जी ये आदमी मरा पड़ा है. हाँ. क्या बात करते, देखो. अरे बेटे ये मरा नहीं है. पापा जी ये मरा पड़ा है. अरे बेटे मरा नहीं है, ये सोया हुआ है. पापा जी ये मरा पड़ा है. अरे बेटे बंबई में लोगों को रहने की जगह नहीं है ना, तो ये ठंडी ठंडी रेत पे सोया हुआ है. पापा जी ये आदमी मर गया है. मर गया है. हाँ. देखो मेरे पापा को बुलाता हूँ. पापा, पापा! क्या है मुन्ना, जल्दी आओ पापा, जल्दी आओ. क्या है मुन्ना? पापा ये मेरा बेवकूफ बेटा बोलता है ये आदमी मरा पड़ा है. मैं कहता हूँ मरा नहीं. हाँ. सोया हुआ है. जरा मुझे देखने दो. अबे ये सोया भी नहीं मरा भी नहीं, ये तो बीच में लटक रहा है. तुम्हारा मतलब ये आदमुआ है? हाँ हाँ आदमुआ है. बातें मत बना, जल्दी से हवलदार को बुला. बेटे जरा हवलदार को आवाज दे. हवलदार. अबे कच्चे के बच्चे, इतना ऐसा बोलने को किसने कहा था? जरा जोर से तो बोल. सुन हवलदार. अबे ऐसे नहीं, सुन ऐसे. हवलदार, हवलदार, वो हवलदार. काय झाला हवलदार? ये आदमी मरने वाला, इसको जल्दी एम्बुलेंस में ले जाओ. तुम चा कौन है? अरे हमारे तुम्हारे में इसकी जान निकल जाएगी. क्या करता है तुम हमला? जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ ना. बुलाओ. तुकाराम जा जरा ते एम्बुलेंस ला. बुला. बहुत भारी है. गार्सन सही हाथों में पड़ गया. आधे घंटे के बाद मिस्टर रॉय को टेलीफोन कर दिया. यस. Roy speaking. What? मैं भी आया. इतने दिन वापस कैसे आए? ओह गॉड,
तुम आराम करो राजेश, मैं यहीं। अगर आपको याद हो सर, तो भटनागर वाले केस में भी यही हादसा हुआ था और मिस्टर भटनागर की भी आवाज चली गई थी। हेलो, हाँ मैं रीता बोल रही हूँ। क्यों, जरूरी काम? जी राजेश, भगवान ने मेरी सुन ली, तुम वापस आ गए हो ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो राजेश को आराम करने दो। अच्छा राजेश, मैं फिर आऊंगी। हाँ देर कर दी आपने, आपको शायद अंदाज नहीं, लेंस की वजह से कितना पेन हो रहा है मेरी आंखों में। सॉरी गार्सन, लेकिन हमें बहुत संभल कर चलना है, कल तुम्हारा पहला इम्तिहान है। कैसा इम्तिहान? कल तुम्हें राजेश के घर ले जाया जाएगा, नौकर को तुम्हारे आने के बारे में सब खबर दी गई है, मुझे उम्मीद है तुमसे कोई गलती नहीं होगी। डोंट वरी, ऑल द बेस्ट। To be back home, isn't it? आ गया, कैसी तबीयत है, क्या जमाना आ गया, कुत्ते भी अभी मालिक को नहीं पहचानते। अच्छा राजेश तुम बैठो, बैठो मैं चलता हूँ, सवेरे मिस्टर रॉय आएंगे तुम्हें लेबोरेटरी ले जाएंगे, करेक्ट? गुड लक। नहीं नहीं तुम बैठो, तुम बैठो आराम से बैठो। मालिक, आदमी सोचता क्या है और होता क्या है, भला आपने किसका क्या बिगाड़ा था। भगवान को अगर किसी की आवाज लेनी थी तो मेरी बीवी की आवाज ले लेता, मेरे घर में तो जरा शांति होती। अच्छा अब आराम कीजिए, मैं आपके लिए गर्म दूध लेता हूं। Thank you.
है, लेकिन किस हाल में आया मुझसे तो देखा नहीं जाता। मैं तो कहती हूँ कैसा अंधेर हो गया, बेचारे की शादी तक नहीं हुई थी, आवाज ही बंद हो गई। मैं भी यही सोचता हूँ, अभी तक शादी हुई नहीं फिर आवाज कैसे बंद हो गई। मगर शादी के बाद तुम्हारी आवाज बंद नहीं हुई। आवाज? अरे मेरी तो सांस बंद होने वाली है। ऐसे ही चुपती हूँ सीने में तो क्यों आए थे शादी के लिए तुम रगड़ते हुए? क्योंकि मैं ये नहीं जानता था कि सारी जिंदगी मुझे दुम ही हिलानी पड़ेगी, समझी? समझी, और तुम समझोगे जब मैं जाके बैठूंगी अपने मैके के। देखो रूपमती, तुमने अगर फिर मैके जाने की धमकी दी तो जानती हो मैं क्या कहूँगा? क्या कहोगे? मैं कहूँगा। लेकिन क्यों? मैं कहूँगा जरूर जाओ। हाँ हाँ चली जाऊंगी, अभी चली जाऊंगी, लाओ मेरा किराया। शुभ काम में देर किस बात की, कितना चाहिए बोलो? आने जाने का 20 रुपए। ये लो 10 रुपए सिर्फ जाने का। मैं तो चली जाती हूँ लेकिन 4 दिन में छठी का दूध याद आ जाएगा। जाओ तो तुम नहीं याद आओगी। How do you do? Welcome to the laboratory. How are you? चलो बेसमेंट में चलें। सब लोग तुमसे मिलने के लिए बेताब हैं। राजेश बेसमेंट में नहीं जाएगा। इसका फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन अभी तक नहीं हुआ। चलो राजेश। साहब साहब, कुत्ता मर गया। आइए। वो देखिए, बोला जी साहब, इस कुत्ते को बाप के उस कोने में दफना दे। आओ अच्छा। राजेश, क्या ये मुमकिन है कि कुत्ता अपने मालिक को भूल जाए? मेरा मतलब यह है कि अगर मालिक कुछ दिनों के बाद घर लौटे तो उसका कुत्ता उसे न पहचाने। आम तौर पर ऐसा तो नहीं होता। हाँ, कुत्ता अगर अच्छी नस्ल का नहीं या मालिक को उसे लगाव ना हो तो शायद भूल भी सकता है। थैंक यू डॉक्टर, यू मे गो। ओके सर। सर, राजेश बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, इससे पहले कि वो ड्यूटी रिज्यूम करें मेरा ख्याल है कि हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन कर लेनी चाहिए। डेमेलो, आप मुझसे मिलना चाहते हैं? हा? जी हाँ, मेरा नाम डेमेलो है, मैं मिस्टर राय का असिस्टेंट हूँ। अब राजेश कैसा है? वेरी मच बेटर, मगर अभी उसे आराम की जरूरत है। उसे मेरी जरूरत है, वो बीमार है, अकेला है। मेरी समझ में नहीं आता आप लोग मुझे उसे मिलने क्यों नहीं देते। मैं आपकी परेशानियों को अच्छी तरह समझता हूँ रीटा देवी, लेकिन राजेश एक बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। आप लोग क्यों नहीं समझते, वो मेरा मंगेतर है। इसीलिए तो मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैं उसकी रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? शायद आप तो जानती होंगी कि उसके जिस्म पर कोई खास दाग, कोई ऐसा निशान, मेरा मतलब है हम लोगों की आइडेंटिफिकेशन के लिए। आइडेंटिफिकेशन? हाँ, उसके बाएं कंधे पर एक तिल है। ओह,
थैंक यू। तुम्हारा इंतजार करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राजेश, डॉक्टर चेकअप कर रहा है, 5 मिनट में फ्री हो जाएगा। आज शाम को फंक्शन में आना मत भूलिएगा, आप लोग भी। जरूर आएंगे राजेश। राजेश मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो माँ इंतजार कर रही है। आज शाम को 6 बजे। जल्दी भूल गए मुझे, पहचानते नहीं क्या? जीते रहो। नहीं उसकी मां कौन है, उसका घर कैसा है? कोई गलत घर बैठे हो? हाँ। तुम यहां से कैसे भी जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारे साथ प्लान की डिटेल्स डिस्कस करनी है। तुम जाओ यहां से। किसके साथ बात कर रहे थे? बाहर कुछ काम था तो फिर क्यों बाहर आए? मैं और गार्ड अंदर बैठे हैं, तुम बाहर ध्यान रखना। यस सर। मैप ऑफ द लेबोरेटरी, फर्स्ट फ्लोर। डायनामाइट चार्जेस के लिए मुझे अबाउट 300 फीट सफेद वायर चाहिए, पतली। एंड दिस इज बेसमेंट। यस दिस इज ओके। बेसमेंट उड़ाने के लिए मुझे अबाउट 150 फीट कॉपर वायर चाहिए। ओह नो, टू थिक, पतली वायर चाहिए। एंड शो मी द डायनामाइट चार्जेस प्लीज। आई नीड TNT 500। कल मिल जाएगा। बेसमेंट में जाने की इजाजत कब मिलेगी? आज के चेकअप के बाद सिक्योरिटी डिपार्टमेंट तुम्हें बहुत जल्दी क्लियरेंस दे देगा। जानते हो आज की गलती के बाद रॉय और रीटा का मुझ पर शुबा पड़ सकता है। जेल का ऑर्डर आ चुका है, रीटा को फौरन खत्म कर दो। इसमें साइलेंसर लगा हुआ है,
ये बिना कोई आवाज के रीता को हमेशा के लिए सुला देगी। राजेश, आपकी मंगेतर रीता हमारे गार्सों के लिए रुकावट बन रही है, और आप तो जानते हैं कि हम रुकावटों को हमेशा खत्म कर दिया करते हैं। अगर आप चाहें तो हम रीता को यहां मंगवा सकते हैं, और आप दोनों हंसी खुशी से जिंदगी यहां गुजार सकते हैं। इस मेहरबानी की कीमत? कीमत बहुत मामूली है। आप जो काम अपने वतन के लिए कर रहे थे वही काम हमारे लिए किए जा। आपको रीटा, घर बार, दौलत और एक नई जिंदगी मिलेगी, और हमें आपका दिमाग मिल जाएगा। जनरल, मेरा दिमाग, मेरा जिस्म, मेरी जिंदगी मेरे वतन की है, और मेरे वतन का नाम है हिंदुस्तान। रीता की जिंदगी का लालच भी मुझे अपने वतन को बेचने पर मजबूर नहीं कर सकता। अगर तुम भुला न दोगे सपने, ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। अगर तुम भुला न दोगे सपने, ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। राजेश मिला था? हाँ। झगड़ा हुआ है क्या? तो फिर क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? राजेश कुछ बदल गया है माँ। क्या वो अब तुमसे शादी करना नहीं चाहता? पता नहीं। देखो बेटी, तुम पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, तुम्हारी शादी कहीं भी और हो सकती है। नहीं माँ, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। रीता, यूं जज्बात में बहकर फैसला करना कौन सी अकलमंदी है? आज उसकी नजर बदली है, कल उसका दिल भी तो बदल सकता है। अब मैं क्या करूं माँ?
अब मैं क्या करूं? बेटी, जिंदगी में कोई भी फैसला खूब सोच समझ कर करना चाहिए। तुम्हारे पास तो अभी वक्त है। माँ, सोचने का वक्त जा चुका है। माँ, जा चुका है। रीता, क्या बात है? क्या किया है तूने? तो क्या किया है तूने? जो मुझे नहीं करना चाहिए था। माँ, साहब आपके लिए दूध। नहीं, नहीं, आप मेरे मालिक नहीं, आप मेरे मालिक नहीं, आप मेरे मालिक। पागल हो गए तुम? ये तुमने क्या किया? ये पिस्तौल तुम्हें रीता को खत्म करने को दिया गया था, इस नौकर को नहीं। इस आदमी ने मुझे पहचान लिया था। सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम गलती पर गलती किए जा रहे हो। रॉय को अभी तक तुम पर पूरा यकीन नहीं हुआ। इस नौकर की मौत उसके शुबे को और मजबूत कर देगी और तुम्हारा लेबोरेटरी तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। हम नाकाम हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे, हम सबको फांसी पर लटका दिया जाएगा, सिर्फ तुम्हारी गलतियों की वजह से। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूं। सेंटर का ऑर्डर भी तुम जानते थे। तुम्हें रीटा को खत्म करने के लिए हुक्म दिया गया था, क्यों नहीं किया तुमने? वो मां बनने वाली है। जज्बात और जमीर हमारे दुश्मन है, ये हमें नाकामी और मौत देते हैं। घर्षा 18 तारीख बहुत करीब है। 18 तारीख को लेबोरेटरी उड़ा दी जाएगी। इस आदमी की लाश ठिकाने लगा दो। बॉम्बे से 10 मील दूर एक नाले में। कब? आज सुबह 7:30। मौत कितने रोज पहले हुई? अभी ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई, लेकिन अंदाजा है कि 3 दिन पहले। सर, अजीब बात है, पहले राजेश का कुत्ता मरा जिसे बहुत चाहता था, अब उसका पुराना नौकर। मैं भी यही सोच रहा हूँ। जमेलो जी, राजेश ने नौकर के गायब हो जाने की कोई रिपोर्ट लिखवाई? जी नहीं। हो सकता है जिसे हम राजेश समझ रहे हैं वो राजेश नहीं, कोई और हो। मगर हम उसकी आइडेंटिफिकेशन तो कर चुके हैं। लेकिन फिंगरप्रिंट्स तो चेक नहीं किए हैं। दुनिया में कोई ऐसे 2 आदमी नहीं हो सकते हैं जिनके फिंगरप्रिंट्स एक हों। राजेश के कोई फिंगरप्रिंट्स हैं? जी हाँ। हमें फौरन चेक करना चाहिए। फॉर द हेल्थ एंड सेफ रिटर्न ऑफ आवर डियर फ्रेंड राजेश। हेलो राजेश, मुबारक हो भाई, सेहत याबी मुबारक, ये हमारी तरफ से। हेलो बॉयज, हेलो बॉयज, हाउ आर यू? तुम भाई वो लेबोरेटरी में काम कब से ज्वाइन कर रहे हो? कल से। हाँ, अरे हाँ, हम तुम्हारे घर गए थे, वहाँ वो ताला पड़ा हुआ था, कोई भी नहीं था। वो तुम्हारा नौकर भोला वो भी नहीं था, उसको निकाल दिया क्या? छुट्टी पे गया है? हाँ, कब से गया छुट्टी पे? 4 दिन हो गए गए भाई। May I join you boys in? Huh? Yes, that's it. Thank you, thank you. So that's it, eh? हम अभी अभी भोला को देखकर आ रहे हैं। मेरा मतलब है उसकी लाश को। बच बच के बच के बच बच के 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 कहाँ जाओगे? इन्हें
बच के बच के बच के बच के बच के बच के कहाँ जाओगे, बच के कहाँ जाओगे। इन निगाहों से, इन नजरों से बच के कहाँ जाओगे, बच के कहाँ जाओगे। रीता से तुम्हारी शादी फौरन होनी चाहिए। मुहूर्त मैंने निकलवा लिया है, शादी हमारे घर पर ही होगी, सुबह 11 बजे 18 तारीख को। दोनों फिंगरप्रिंट्स एक ही आदमी के हैं। खुलता है।
ठीक 10:15 बजे मैं लेबोरेटरी में दाखिल हूंगा। 10:30 बजे गार्ड चेंज होते हैं, कल छुट्टी है इसलिए मेरा काम और आसान हो जाएगा। फर्स्ट फ्लोर की वायरिंग के लिए मुझे 15 मिनट लगेंगे, सेकंड फ्लोर के लिए 10 मिनट और बेसमेंट में डायनामिट चार्जेस के लिए मुझे 20 मिनट लगेंगे। उसके ठीक 10 मिनट बाद मैं बाहर के दरवाजे पर आ जाऊंगा। 11:25 पर आपको भागने के लिए गाड़ी तैयार मिलेगी। करेक्ट। आपकी गाड़ी निकलने के ठीक 5 सेकंड बाद मैं बैटरी चार्जर दबा दूंगा। मैं एयरपोर्ट में तुम्हारा पासपोर्ट और टिकट लेकर इंतजार करूंगा। गुड। कासा, कल तुम्हारी शादी भी तो है। आई नो दैट। बॉयज, मेरे साथ अपनी घड़ियां मिला लीजिए। इस वक्त 12:15 और 3 सेकंड हुए हैं। ओके ओके। यस सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कासा, तुम्हारे लेंसेस। आई नो दैट सर। गारसा, जिस कार में लेबोरेटरी से भागेगा, क्या वो गाड़ी रेडी है? जी हाँ, चाबी घुमाते ही गाड़ी बम की तरह उड़ जाएगी और साथ गारसा भी। उसका जिस्म का एक टुकड़ा भी नहीं मिलना चाहिए। यस सर। ये लो गाड़ी की चाबी। पापा जी, काम तो हो गया लेकिन मामला जरा डेंजरस है। इवाना हप्पा डियो बॉय क्रिमिनलिटी भी वो मुंबासा। ये कहता है मैं आपको मुंबासा तक ले जा सकता हूँ, आगे आपको संभालना होगा। ठीक है ना कुछ पीस। थैंक यू सराज। जल्दी करो जल्दी करो। मुबारक हो बहन जी, मुहूर्त कब है? 11 बजे का है। आइए बैठिए, आइए। आप तकलीफ में कीजिए, हम लोग बैठ जाएंगे। थैंक यू। नमस्ते जी, बैठिए। दीदी, तुमने मुझे बुलाया? राजेश आया? नहीं, अभी नहीं। एक मिनट इधर आइए। देखिए, राजेश अभी तक नहीं पहुंचा। उसने कहा था 10:30 बजे तक आ जाएगा। आप फिक्र न कीजिए, वो आता ही होगा। मेरा नाम राजेश है, मैं सिपाही साहब। मेरे पास पासपोर्ट है। आप मिस्टर राय चीफ ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को टेलीफोन करके पूछ लीजिए। प्लीज आइए आप। प्लीज मिस्टर रॉय और मिस्टर डिमेलो आज ऑफिस नहीं आएंगे, वो लोग शादी पर गए हुए हैं। अर्जेंट फोन एयरपोर्ट से। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ। इंस्पेक्टर मेहरा, यहाँ राजेश नाम का एक आदमी अफ्रीका की फ्लाइट से आया है। उसका कहना है आपका डिपार्टमेंट उसे जानता है। अरेस्ट हिम इमीडिएटली। क्या कहा मिस्टर? यू आर अंडर अरेस्ट। व्हाट डू यू मीन? हवलदार, ले जाओ इसे, बंद कर दो। अब छोड़िए मुझे, मैं कहता हूँ। Thank you.
हेलो लेबोरेटरी, रॉय स्पीकिंग, राजेश का कुछ पता है जी? ओ आई सी, चलो चलो मेरे साथ। कहाँ? लेबोरेटरी। आज मैं तुम्हारी मुलाकात एक गद्दार से कराता हूँ। गद्दार जी? हो गया सर, एक आदमी अपने आप को राजेश बताता है, पुलिस को धोखा देकर यहां तक आ पहुंचा। मैं उसको शूट करने का ऑर्डर दे दिया। फायरिंग बंद करो, मुझे वो आदमी जिंदा चाहिए। लेबोरेटरी के चारों तरफ घेरा डालो, ऑपरेशन तुम खुद सुपरवाइज करो। हरी अप। समझे जी, हमारा सारा प्लान फेल हो चुका है। पुलिस मिस्टर रॉय डिमोला आ पहुंचे हैं। तुम डायनामाइट चार्ज से दबा दो, जल्दी करो, वक्त नहीं है। कनेक्शन कंप्लीट करने में 10 मिनट लगेगा। जितनी भी मैं उड़ा दो, जल्दी करो। तुम मेरी पिस्तौल के गोली के काबिल नहीं। तुम जैसे गद्दार जो अपने मुल्क को दौलत की लालच में बेचते हैं, उन्हें फांसी पर ही लटकाना चाहिए। डिमेलो, अरेस्ट हिम।
शादी मुबारक हो रहा है। हमें और हमारे मुल्क को तुम जैसे नौजवानों पे नाज है जो अपनी जान पे खेल के अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। अगर हमारे मुल्क का हर नौजवान तुम जैसा निडर और बहादुर हो तो कोई दुश्मन हमारे तरफ हाथ उठा के देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। सर मैंने अपना फर्ज अदा किया है। वेरी वेलकम। रिहा हनीमून के लिए कहां जा रहे थी? रीता कश्मीर जाने के लिए। वेरी गुड, इट्स अ गुड सीजन। जाओ जाओ जल्दी करो। सिवा तुम्हारे न कोई अपना, हमेशा देखा तुम्हारा सपना।